हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है उसके बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि दोस्तों हम इसमें वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और कैसे आप जो उसका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे और इसका क्या सिलेबस रहेगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। और वेबसाइट पर जाने के लिए हम टाइप करेंगे gayatrijobs.com और इस पोस्ट को हम ओपन करेंगे जिसका लिंक मैं आपको अपनी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ जिससे कि आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इसमें कि जो उसका आवेदन आप कर सकते हैं वो 21 मई 2018 से ही आवेदन स्टार्ट हुए हैं और 15 जून 2018 तक आप इसके अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट जो है 15 जून 2018 है। और एग्ज़ाम की हम बात करें तो उसका जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों वो 21 जून से 26 जून 2018 तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कोर्स की हम बात करें, जो कोर्स वाइज इसका एग्जामिनेशन होना है वो यहाँ पर हमने दिया हुआ है। एम ए इंग्लिश का 21 तारीख को है, एम ए हिंदी का 21/6/2018 को है, एम ए इकोनॉमिक्स, एम ए बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी 21 जून 2018 को है, एम कॉम का 22 को है, LLM का जो एग्ज़ाम होगा वो भी 22/6/2018 को होगा, LLM MPED और MPES का जो एग्ज़ाम है वो भी 22 तारीख को होगा। इसमें पूरी डिटेल हमने यहाँ पर दी हुई है। तो आप अपने जो जिस चीज़ के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है, उसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो यहाँ आपने PDF भी दी हुई है, इस PDF को आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। इसमें पूरी PDF के साथ पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दी है, कब उसका एग्जामिनेशन होगा, शेड्यूल क्या रहेगा, और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को दोस्तों। और नेक्स्ट का जो कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पर दी हुई है, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप जा कॉल करके उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस का आपको देखना है तो डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रोस्पेक्टस है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी PDF यहाँ पर दी हुई है, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपको क्लिक करके तो आप हमारी जो दूसरी पोस्ट है उस पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा कोर्स के वाइज वो यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इसका जो सिलेबस है यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स साइंस और इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो MA अगर आप करना चाहते हैं इन सब्जेक्ट के साथ तो उनका जो क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगा एग्ज़ाम का वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 रहेंगे, 100 ही मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी इसके अंदर 1/4 मार्क्स आपके डिटेक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो, गलत होता है तो। ड्यूरेशन जो रहेगी वो 90 मिनट की रहेगी एग्ज़ाम की। और अगर इसमें जो MBA करना चाहते हैं कोर्स के यहाँ पर दिए हुए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, टूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के साथ 2 साल का ये कोर्स है, उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 80 हैं और मार्क्स जो रहेंगे वो भी 80 रहेंगे। ड्यूरेशन इसके अंदर 90 मिनट की रहेगी। सब्जेक्ट जो रहेंगे इसमें रीजनिंग एबिलिटी जो हैं वो 20 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स के रहेंगे और जनरल इंग्लिश के भी इसमें जो रहेगा वो 20 मार्क्स हैं। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड ग्रुप डिस्कशन 10 मार्क्स का है, इंटरव्यू जो होगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट में जो एग्ज़ाम पैटर्न है LLM के लिए उसमें भी 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स के हैं और 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगी। और नेक्स्ट जो चलते हैं हम इसमें कोई अगर आप MPED और MPES करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसमें 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क्स के हैं, उसमें 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो नेगेटिव मार्किंग इस वाले उसमें कोर्स में रहेगी। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपना नेम आपको डालना है और अपना जो लॉगिन पासवर्ड आपको डालना है कन्फर्म पासवर्ड और एंट्री सिक्योरिटी कोड आपको एंटर सिक्योरिटी कोड डाल के जो यहाँ पर दिया हुआ है और रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड जब हो जाएंगे आप तो आप
एप्लीकेशन एप्लीकेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, और लॉगिन करने के बाद आपसे कोर्स पूछेगा किस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट करना है और फिर आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो बताते हैं आपको, इसका जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस के लिए हमने यहाँ पर PDF दिया हुआ है, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो उसका जो MPES का आप आवेदन करना है तो उसकी जो डिटेल है, सब्जेक्ट जो रहेंगे वो यहाँ पर हमने दिए हुए हैं, तो आप इनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। पूरे जो सिलेबस वाइज MA MSc फिजिक्स के आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। इसमें पूरे कोर्स की जो जो सब्जेक्ट हैं वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं। नेक्स्ट का जो एडमिट कार्ड है वो हम आपको बता देते हैं। उसके लिए हमारी जो ये पोस्ट है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2018 पर आपको क्लिक करना है। इसका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द 21 जून से 26 जून तक इसके जो एग्ज़ामिनेशन होगा, तो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमने जो यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो उसका जो एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप डालेंगे और अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसकी जो रिजल्ट है वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।